हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। सी लैंग्वेज में डिक्रीमेंट ऑपरेटर की बात करेंगे। डिक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए कोई वेरिएबल ए है, उसमें आपने वैल्यू असाइन कर दी 5। अब एक बार डिक्रीमेंट कराएंगे तो वो बन जाएगा 4, दूसरी बार कराएंगे वो बन जाएगा 3, तीसरी बार कराएंगे वो बन जाएगा 2, चौथी बार कराएंगे वो बन जाएगा 1। इसे कहते हैं डिक्रीमेंट। अब ये दो तरीकों से होता है, एक प्री डिक्रीमेंट यानी पहले ही डिक्रीमेंट कर दिया जाता है। जैसे अगर सपोज कीजिए ए में 5 असाइन है, तो जब आप प्रोग्राम को चलाएंगे तो वो 4 दिखेगा, पहले ही 4 हो जाएगा और फिर प्रिंट भी 4 ही होगा, ठीक है। और अगर पोस्ट डिक्रीमेंट की बात करें तो ए में 5 असाइन है तो पहले 5 दिखाएगा, फिर जाके डिक्रीमेंट होने के बाद वो 4 होगा, ठीक है। तो ये होता है प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट। आइए इसको प्रोग्राम के जरिए समझते हैं। यहां पर कोड ब्लॉक्स को ओपन कर लेता हूं, इसी पर हम प्रोग्राम बना लेते हैं। और यहां से एम्प्टी फाइल ले लेता हूं, ये आ गई एम्प्टी फाइल हमारी। यहां पर मेन फंक्शन बना लेता हूं मैं, एम ए आई एन मेन। कर्ली ब्रेसेस को ओपन किया, एंटर किया, यहां पर आएंगे। अब यहां पर क्या करना है हमको कि एक वेरिएबल बनाना है इंट टाइप का, एक या दो वेरिएबल्स हमको बनाने हैं इंट टाइप के। इंट पहले ए बना लेते हैं, ठीक है। अभी हम बात करेंगे पोस्ट डिक्रीमेंट की, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू मैं कर लेता हूं 7, ठीक है। ए में क्या रख लिया हमने, 7 रख लिया है, कॉमा दिया, बी को खाली छोड़ देते हैं ऐसे ही, ठीक है। एंटर करके नीचे आते हैं, जैसे ही नीचे आएंगे तो यहां पर हम देंगे बी इज इक्वल टू ए माइनस माइनस, ठीक है। अब ये हो गया पोस्ट डिक्रीमेंट। देखिए माइनस माइनस ए नहीं लिखा, ए माइनस माइनस लिखा, ठीक है। तो अभी क्या प्रिंट होगा, ए में 7, पहले फर्स्ट टाइम ए में 7 प्रिंट होगा, फिर आपको दिखेगा कि वो 6 हो गया है। जब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा तो यहां पे लिखा मैंने प्रिंट एफ, ठीक है, और यहां पे कर दिया परसेंट डी, ठीक है, ये लिख दिया और ये डबल डॉट कोट्स को क्लोज किया, कॉमा दिया और यहां पर प्रिंट करवा देते हैं बी को, ठीक है। तो ये बी को प्रिंट भी करवा दिया हमने, बस ये काम हो गया हमारा। इसको टर्मिनेट करते हैं, फिर यहां नीचे लिखते हैं प्रिंट एफ। तो पहले वाले प्रिंट एफ से क्या होगा, पहले वाले प्रिंट एफ से पहली वैल्यू प्रिंट होगी जो बिना इंक्रीमेंट के है, या सॉरी बिना डिक्रीमेंट के है, और दूसरे वाले प्रिंट एफ से डिक्रीमेंट होने के बाद वाली वैल्यू प्रिंट होकर आएगी। तो यहां पर दे देता हूं परसेंट डी इज इक्वल टू, अब इसमें क्या देंगे, इसमें हम दे देंगे ए, ठीक है। तो ये ए दे दिया, कॉमा देंगे यहां पर, और यहां पर किसको प्रिंट करवा देंगे, ए को ही प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। तो ये प्रिंट करवा देते हैं ए को, और अब इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो ये पोस्ट डिक्रीमेंट हुआ, ध्यान दीजिएगा इसे हम पोस्ट डिक्रीमेंट बोलेंगे। तो यहां पर किसी भी नाम से इसको सेव कर लेते हैं हम, और अब यहां से इसको चलाते हैं, पहले कंपाइल करवाएंगे, यहां से गए कंपाइल करवाया, तो ये प्रोग्राम हमारा कोई एरर नहीं है, कंपाइल हो गया, ठीक है। अब यहां से इसको रन करवा लेते हैं, तो यहां से इसको रन करवाते हैं। तो यहां पर देखेंगे कि यहां पर दिया हुआ है b इज इक्वल टू 7, और b पहले आ गया है क्योंकि मैंने इस तरीके से दे दिया है, 7 इज इक्वल टू b, 6 इज इक्वल टू a, ये आ गया है। तो यहां पर कुछ थोड़ी सी चेंजिंग कर लेते हैं, यहां पर इसको जो है b इज इक्वल टू परसेंट डी, अच्छा ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर इसको सेव कर लिया हमने। अब आप देखेंगे कि आपका रिजल्ट जैसा आप चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही प्रिंट होकर आएगा। तो ये तो कंपाइल हो गया, अब इसको रन करवा देते हैं, तो ये रन हो गया। तो आप देख सकते हैं b इज इक्वल टू 7, पहले 7 प्रिंट हो रहा है और a इज इक्वल टू 6। तो जैसे ही ये a में जा रही है तो यहां पर डिक्रीमेंट हो जा रही है, a इज इक्वल टू 6 हो जा रही है, ठीक है। इसे कहते हैं पोस्ट डिक्रीमेंट, ठीक है। अब प्री डिक्रीमेंट क्या होगा, यहां पर खाली आपको चेंजिंग करनी है, देखिए यह है ना, यहां पर खाली आप चेंज कर दीजिए, क्या करेंगे, यहां पर कर दीजिए माइनस माइनस ए, यानी पहले ही दो बार माइनस लगा दीजिए, ठीक है, और अब इसको सेव कर दीजिए। तो जैसे ही सेव करेंगे और अब इसको कंपाइल करवा लेते हैं एक बार, तो कंपाइल करवा दिया हमने और यहां से अब इसको रन करवा देते हैं। तो रन करवाने पर क्या होगा, पहले देखिए 6 प्रिंट हो रहा था और फिर बाद में भी 6 प्रिंट हो रहा है, यानी पहले ही डिक्रीमेंट हो जा रहा है। ये देख सकते हैं यहां पर मैंने a इज इक्वल टू 7 दिया है, जबकि ये पहले ही डिक्रीमेंट हो जा रहा है और दोनों में ही 6 प्रिंट होकर आ जा रहा है, जबकि पोस्ट डिक्रीमेंट कर रहे थे तो ऐसा नहीं हो रहा था। तो आई होप कि ये बात क्लियर हो गई होगी, फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।